अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अर्शद बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच बलोच। इससे जो है ना, पहले मैंने क्लिप बनाया था अपने प्रेस रिवील का, तो उसमें वो वीडियो बिल्कुल ख़राब ही गया मेरा। उसमें ये हो गया था, एंगल का थोड़ा फर्क हो गया मेरे साथ। तो अब जो है ना, इस वीडियो को, इस क्लिप को मैं अपने घर पर ही शूट कर रहा हूँ। तो किसी भाई ने अगर मतलब नहीं देखा, बहुत सारे भाइयों से मैंने वादा भी किया था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा, सबको बता दूंगा मैं कौन हूँ, जो भाई मुझे नहीं जानते हैं। और जो भाई जानते हैं मुझे, उनको तो मालूम है मैं कौन हूँ, अर्शद बलोच कौन है। जिन्होंने अभी तक मुझे नहीं देखा है तो देख लो, मैं हूँ अर्शद बलोच और ये मेरा यूट्यूब चैनल है एच बलोच। तो इससे अलग, इससे जो पहले का क्लिप मैंने बनाया था, वो क्लिप में ये हो गया था कि वो क्लिप उसमें मतलब एंगल में थोड़ा फर्क आ गया था, तो इस वजह से वो क्लिप पूरा बर्बाद हो गया मेरा। तो इस वजह से जो है ना, मैं इस क्लिप को शूट कर रहा हूँ। और जो है वो क्लिप मैंने आउटडोर बनाया था, आई हॉस्पिटल है अली मार्केट का, वहीं पे मैंने बनाया था वो क्लिप। उसमें फिदा भी मेरे साथ था और माइन भी मेरे साथ थी, मगर अभी दोनों नहीं है, माइन तो बाहर गई हुई है और फिदा अपने घर चला गया है। देख लो, मैं हूँ अर्शद बलोच। जिन भाई ने नहीं देखा है, प्रेस रिवील नहीं किया था मैंने, तो मैं हूँ अर्शद बलोच। और मेरे चैनल को भाई प्लीज़ सपोर्ट करो और मेरे जो है ना, वीडियो को शुरू से और आखिर तक देख लो, आपकी मेहरबानी होगी। अभी देखें मतलब जो मैंने शूट किया वका है वीडियो, आप देख लें। अब जो है हम यहाँ से निकल चुके हैं इस हॉस्पिटल से, अब हम जा रहे हैं ली मार्केट बाज़ार की तरफ, देखते हैं कहाँ जाना होता है। तो वैसे जो है ना, मैंने हर जगह आप लोगों को दिखा दी है कि कौन कौन सी जगह मैंने, ऐसा नहीं है कि छोड़ा हुआ है आप लोगों को नहीं दिखाया, काफ़ी सारे जगह मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को, मगर फिर भी जो है अभी भी बहुत सारे जगह रहते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये एक बस है, पता नहीं कौन से गांव का, कौन से देहात का है, जो लोड हो रहा है यहाँ से। मुझे लगता है ये नूरानी का है, ये नूरानी जाती होगी। ये देख लें, यहाँ पर ये दाना वगैरह ये मिलते हैं, जो सामने कपूदर हैं वो भी दिखाएंगे आपको, जिनको यहाँ से दाना खिलाते हैं। और ये देख लें, सामने कपूदर हैं, इनके लिए यहीं से दाना मिलता है, जो यहाँ पर लोग खरीद के इन कपूदरों को खिलाते हैं। आप देख सकते हैं कल हमारे यहाँ जो है ना, रात को बारिश हुई थी, तो बारिश के बाद कुछ हमारे यहाँ का हालात ऐसे इस तरीके से हो जाते हैं, जहाँ पे पानियाँ भर जाते हैं। अगर आपके यहाँ भी बारिश हुई है तो कमेंट करके मुझे बता देना, और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी ज़रूर से कमेंट में बता देना मुझे। देख सकते हैं गलियों की हालत क्या हो रही है, यहाँ से गुज़रना भी जो है ना मुआल है, पता नहीं बंदा कहाँ से गुजरे। यहाँ पर बारिश होती है तो ये हाल हो जाता है। और बहुत सारे भाई या बहुत सारी बहनें हमारी वीडियो जो है ना पूरा नहीं देखती है, तो उनसे दरख्वास्त है वीडियो पूरा देखा करें शुरू से आखिर तक, तब जाके मेरे व्यूज़ काउंट हो जाएंगे। व्यूज़ काउंट हो जाएंगे तो मेरे वॉच टाइम बढ़ जाएंगे। अभी तो 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, अभी तो असल टास्क आगे बाकी है। मुझे अपने जो है ना आवर्स काउंट करके यूट्यूब को देने, इतनी जल्दी पूरे नहीं होंगे, उसके लिए आप लोग के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। भाई इस जगह को कहते हैं मतलब अजीब सा नाम है, बोलड़ी गली। हम छोटे होते थे तो इस जगह को कहते थे बोलड़ी गली, क्योंकि यहाँ पर परिंदों के और चिड़ियों के व्यापारी काफ़ी सारे रहते हैं, तो इस वजह से इस इलाके का नाम पड़ा है बोलड़ी गली। अगर कोई नहीं जानता भाई, अगर कोई जानता है तो बता दें, ताकि आप लोगों को मालूम है। ये काफ़ी सारी वीडियो में मैं कह चुका हूँ, ऊपर झंडे वगैरह आप लोगों को दिख रहे हैं, इलेक्शन की गेमा गेमी है। तो भाई मैं सियासी बंदा नहीं हूँ, ना कि सियासत को इतना जानता हूँ, तो इस वजह से जो है ना
मैं न सियासत को सपोर्ट करता हूँ, बस कोई काम करे, अच्छा काम करे, वोट उसी का ही है। शुरू होते हैं लियारी के छोटे छोटे गलियाँ, ये देख लें हमारे लियारी की गलियाँ, ये हमारी गलियाँ हैं, यहाँ पर हम पले बड़े हैं, यहाँ पर खेले हैं हम। मैं यहीं का ही हूँ भाई, गरीब सा इंसान। तो भाई ये था मेरा एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है। तो जाने से पहले एक छोटी सी बात है, जैसे मैंने पीछे वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना है तो पूरा एंड तक देख लो भाई, बीच में से जो है ना वीडियो को छोड़ मत देना। मेरे वीडियो काफ़ी सारे भाई कह रहे थे कि आप वीडियो को शॉर्ट बनाएं, 5 मिनट का बनाएं, काफ़ी सारी बहनें कह रही थी कि आप छोटे छोटे वीडियो बनाएं, और काफ़ी सारे भाई ये कहते हैं नहीं भाई 12 मिनट से ऊपर ऊपर का वीडियो बनाएं। अब इसमें मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि आप लोगों को किस तरीके के वीडियो देखने हैं, मतलब हर बंदे का हर इंसान का जो है ना माइंड एक जैसा नहीं होता है, हर कोई अपने तरीके से बोलता है ये कर दें वो कर दें। ठीक है भाई, आपका भी बोलना ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा जो आपको पसंद आएगा मैं उसी तरीके से वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह आगे चल के हमारा चैनल और भी अच्छा हो जाएगा। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, आप जितने देखने वाले हैं उन सबका है, और जो भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, बगैर सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ से, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट होगा तो आगे मैं चल पाऊँगा, आगे वीडियो में या तो यूट्यूब में टिक पाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, छोटा सा मेरा फेस रिवील वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना आप लोगों को इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई आज से। मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।